नोकिया का 1100 मॉडल भले ही स्मार्ट नहीं था, लेकिन आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आज आपके पास भले ही स्मार्टफोन है, बैटरी और चार्जिंग की तो छोड़िए, आपको मोबाइल के बारे में अपडेटेड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक रिपोर्ट ऐसा आया है जो आपको चौंका करके रख देगा, तो जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास एंड्रॉइड फोन है, जैसे कि सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सोमी, रियलमी, मोटरोला, लेनोवो, माइक्रोमैक्स, इन सभी कंपनियों का फोन है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वैसे आपके पास किस कंपनी का फोन है नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों, जेड स्केल के थ्रेट लैब्स के साइबर सिक्योरिटी रिसर्च टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में प्ले स्टोर के 11 ऐप्स में जोकर फैमिली के मैलवेयर होने की बात कही गई है। बताया गया है कि इन ऐप्स को प्ले स्टोर से 30,000 बार डाउनलोड भी किया जा चुका है। तो अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से ऐप्स हैं जिन्हें आपको तुरंत अपने मोबाइल से डिलीट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर ऐप आता है, इसका नाम है फ्री एफ्लुएंट मैसेज। दूसरा ऐप है पीडीएफ फोटो स्कैनर। तीसरा ऐप है डिलक्स कीबोर्ड। चौथा ऐप है कॉम्प्लाई क्यूआर स्कैनर। पांचवा ऐप है पीडीएफ कन्वर्टर स्कैनर। छठवां ऐप है फॉन्ट स्टाइल कीबोर्ड। और सातवां ऐप है ट्रांसलेट फ्री। आठवां ऐप है सेइंग मैसेज। नौवां ऐप है प्राइवेट मैसेज। दसवां ऐप है रीड स्कैनर और 11वां ऐप है प्रिंट स्कैनर। तो अगर आपके मोबाइल में इनमें से कोई भी ऐप मौजूद है तो आप उस ऐप को तुरंत अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल को वायरस से या मेलवेयर से या फिर स्पाईवेयर से कैसे बचा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कोई भी अननोन व्यक्ति किसी भी तरह का कोई लिंक सेंड करता है, चाहे आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर रहा है या फिर आपके मोबाइल नंबर पर किसी का मैसेज आ रहा है, अगर मैसेज में किसी भी तरह का कोई अननोन लिंक दिया गया है तो आप उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। आप किसी भी ऐप को किसी के भी कहने पर अगर आपको उस ऐप के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप उस ऐप को बिल्कुल भी अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें, इससे आपके मोबाइल में मैलवेयर या फिर वायरस आ सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप काफी हद तक अपने मोबाइल को सिक्योर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।